हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था के दोस्तों जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रमवाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, आज अपना पहला नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान की औद्योगिक इकाइयां। टोटल छह टॉपिक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के, जिसमें पहला नंबर का टॉपिक है राजस्थान की औद्योगिक इकाइयां और इससे संबंधित आज अपन इसमें टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, राज्य में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, तो दोस्तों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष है वो कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा वो है 2011-12। तो इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, पत्थरों को तराशने से निकली सिलरी से टाइल्स बनाने का देश का पहला प्लांट कहां बनेगा, तो दोस्तों ये पहला प्लांट है ये कहां बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा में बनेगा ये। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर कोटा। तीन नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र के रूप में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना होगी, प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र के रूप में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना होगी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों निमराना अलवर में। तो यहां पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चार नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क कहां स्थित है, दोस्तों यहां पर अपने को देखिए तीन कथन दे रखे हैं और कूट भाषा में अपने को बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन सा कथन है वो इसमें सही है, ठीक है। और ये राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क से संबंधित कथन है। देखिए, इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से दोस्तों जाना जाता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से नहीं, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क के नाम से यह जाना जाता है, ठीक है। और यह है दोस्तों अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है, यह भी दोस्तों इसमें क्या है बिल्कुल सही है, यानी कि अपना पहला और तीसरा सही है, दूसरा अपना इसमें गलत दे रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर एक और तीन, ठीक है। नेक्स्ट, पांच नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं, बताइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर भरतपुर में। यहां पर चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अलवर भरतपुर। नेक्स्ट, सिक्स नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स उद्योग कहां स्थित है, बताइए। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स उद्योग है ये कहां पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डीडवाना में, डीडवाना नागौर में। तो यहां पर चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सात नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र जेके व्हाइट सीमेंट कंपनी द्वारा कहां स्थापित किया गया है, भारत का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र जेके व्हाइट सीमेंट कंपनी द्वारा कहां स्थापित किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गोटन नागौर में यह स्थापित किया गया है। तो यहां पर अपना दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आठ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक है राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए गोटन, मोडक और ब्यावर, ये तीनों दोस्तों राजस्थान में सीमेंट उद्योग केंद्र हैं लेकिन गुलाबपुरा नहीं है। तो यहां पर चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नौ नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं वो जिले कौन से हैं, तो दोस्तों वो जिले हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर है ये दोस्तों सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दस नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, राजस्थान में
कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है सवाई माधोपुर। दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी डीडवाना, कोटा और अलवर हैं, ये रसायन उद्योग के केंद्र हैं। दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में उद्योग दे रखा है और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है, ठीक है। अपने को बताना है कि कौन सा उद्योग कहां पर स्थित है। दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये कहां पर है? तो दोस्तों ये अजमेर में है। सफेद सीमेंट का कारखाना दोस्तों कहां पर है? ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, ये गोटन में है, गोटन नागौर में। उर्वरक है, उर्वरक है उद्योग है वो दोस्तों कहां पर है? तो ये गड्डेपान में है दोस्तों, ठीक है। और विद्युत मीटर है का जो कारखाना है यानी कि उद्योग है, ये दोस्तों कहां पर है? तो ये जयपुर में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक वैसा ही प्रश्न है, अपने को बताना है कि कौन सा उद्योग है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। देखिए अशोका लीलैंड, अशोका लीलैंड का जो उद्योग है वो दोस्तों कहां पर है? तो ये है दोस्तों अलवर में। कहां पर है? अलवर में, ठीक है। नेशनल बॉल बियरिंग, नेशनल बॉल बियरिंग का कारखाना है, ये दोस्तों कहां पर है? तो ये है दोस्तों जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें सेमकोर ग्लास लिमिटेड, ये दोस्तों कहां पर है? सेमकोर ग्लास लिमिटेड ये कहां पर है? तो दोस्तों ये कोटा में है। और हिंदुस्तान रेडिएटर्स, ये दोस्तों कहां पर है कारखाना? तो ये जोधपुर में है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 2, 4 यानी कि अपना इसमें चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। इसमें दोस्तों एक ही कथन है वो सत्य है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। और वो है दोस्तों देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है, ये एकमात्र कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल लिमिटेड एवं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने संयुक्त रूप से राज्य में किस जगह, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर नाम से दोस्तों डीएपी खाद का कारखाना स्थापित किया है। दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं कि राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर नाम से डीएपी खाद का कारखाना कहां है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यह है कपासन चित्तौड़गढ़ में। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कपासन चित्तौड़गढ़ में। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा हैंडीक्राफ्ट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया है। राज्य में हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा हैंडीक्राफ्ट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बोरनाडा जोधपुर में। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोरनाडा जोधपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में सेज है और सूची सेकंड में स्थान है। अपने को बताना है कि कौन सा सेज है वो कहां पर स्थित है। देखिए ऊन एवं गलीचा, दोस्तों ऊन एवं गलीचा जो सेज है वो दोस्तों कहां पर है? तो ये बीकानेर में है। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर में है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहां पर है? तो दोस्तों महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है ये जयपुर में है, ठीक है। और जेम्स एंड ज्वेलरी ये है दोस्तों सीतापुरा जयपुर में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 2, 3, 4, 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 2, 3, 4, 1। तो यहां पर दोस्तों 2, 3, 4, 1 कर लेना इस प्रश्न का राइट आंसर, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है, 2, 3, 4, 1 कर लेना इसमें। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। दोस्तों यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संदर्भ में असत्य कथन को अपने को यहां पर क्या करना है, चुनना है। देखिए सेज औद्योगिक सेवाओं एवं व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है।
सेज का उद्देश्य औद्योगिक विकास एवं रोजगार की संभावना में वृद्धि करना है। बिल्कुल सही है। सेज में स्थापित उद्योगों को उत्पाद शुल्क एवं अन्य शुल्कों से मुक्त रखा गया है। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों कथन सही है। चौथा देखिए, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन है वो इसमें सत्य है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, बगरू की ब्लॉक प्रिंटिंग के संरक्षण एवं प्रचार के लिए भारत सरकार के स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क द्वारा राज्य के किस स्थान पर जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सट क्राफ्ट पार्क की स्थापना की गई है, बताइए। बगरू की ब्लॉक प्रिंटिंग के संरक्षण एवं प्रचार के लिए भारत सरकार के स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क द्वारा राज्य के किस स्थान पर जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट क्राफ्ट पार्क की स्थापना की गई है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बगरू में। तो यहां पर अपना इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बगरू में। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, राज्य के सतत संतुलित एवं त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोजना बोर्ड को भंग कर 29 मई 2014 को किस संस्था की स्थापना की गई, बताइए। राज्य के सतत संतुलित एवं त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोजना बोर्ड को भंग कर 29 मई 2014 को किस संस्था की स्थापना की गई, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वो संस्था है मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की। तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, बताइए। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित प्रथम चरण के अंदर दोस्तों खुसखेड़ा भिवाड़ी और निमराणा ये किया जा रहा है दोस्तों विकसित। तो यहां पर बैरोड और कुकस है ये गलत दे रखा है। इस प्रश्न का राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, एक व दो दोनों इसमें क्या है सही है। आगे देखिए इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के संदर्भ में सही कथन को चुनना है, दोस्तों भामाशाह रोजगार सृजन योजना के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। देखिए योजना की समयावधि 13 दिसंबर 2015 से मार्च 2020 है, बिल्कुल सही है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ा गया है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। चौथा देखिए इसमें, योजना के अंतर्गत सेवा व व्यापार हेतु 5 लाख व उद्योग क्षेत्र हेतु 10 लाख तक के ऋण का प्रावधान है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों चारों ही कथन है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त चारों। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्य के किस स्थान पर फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी लाफार्जे द्वारा सीमेंट प्लांट की स्थापना कहां की जा रही है, बताइए। राज्य के किस स्थान पर फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी लाफार्जे द्वारा सीमेंट प्लांट की स्थापना कहां की जा रही है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये निम्बाहेड़ा में की जा रही है, निम्बाहेड़ा में, ठीक है। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में से भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर, कपड़ा निर्यात शहर, पावरलूम मेगा क्लस्टर शहर, इन तीनों के नाम से दोस्तों भीलवाड़ा को जाना जाता है। यहां पर उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से कहां हाथ से कागज का निर्माण नहीं किया जाता, निम्न में से कहां हाथ से कागज का निर्माण नहीं किया जाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें देखिए, सांगानेर जयपुर, ठीक है, गोसुंडा उदयपुर, ठीक है दोस्तों, इन दोनों स्थानों पर दोस्तों हाथ से कागज का निर्माण किया जाता है, ठीक है, सांगानेर और गोसुंडा उदयपुर में, लेकिन बगरू में नहीं किया जाता दोस्तों। तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, राज्य के निम्न में से किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है, राज्य के निम्न में से किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धौलपुर में। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धौलपुर में। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं,
औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ए श्रेणी के अंतर्गत उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा आते हैं दोस्तों। ठीक है, उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, ये ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किस पर लागू होगी? राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किस पर लागू होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इस पर लागू होगी दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें राज्य में राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2015 का प्रमुख उद्देश्य है, बताइए राज्य में राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2015 का प्रमुख उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अलवर के किस औद्योगिक क्षेत्र में सिरेमिक उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है? बताइए अलवर के किस औद्योगिक क्षेत्र में सिरेमिक उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा गिलोट में। तो यहां पर तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर गिलोट में। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर केंद्र सरकार की ओर से MSME टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र का केंद्र को स्थापित किया जा रहा है? बताइए राज्य में किस स्थान पर केंद्र सरकार की ओर से MSME टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया जा रहा है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भिवाड़ी में। तो यहां पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर प्रश्न है, राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कार्यरत है? राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कार्यरत है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर, निमराना अलवर। इन तीनों स्थानों पर दोस्तों निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कार्यरत है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राज्य में किस स्थान पर जापानी कंपनियों द्वारा निवेश के लिए औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है? राज्य में किस स्थान पर जापानी कंपनियों द्वारा निवेश के लिए औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों निमराना में। तो यहां पर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निमराना में। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिको ने राज्य में एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं, बताइए। तो ये एग्रो फूड पार्क है वो दोस्तों कहाँ स्थापित किए हैं वो अपने को बताना है। देखिए रानपुर कोटा के अंदर, बोरानाडा जोधपुर में, श्री गंगानगर में, अलवर में, इन सभी स्थानों पर दोस्तों रिको ने राज्य में एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, पांच नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में वह जिला जहां रिको द्वारा स्टोन पार्क की स्थापना नहीं की गई है, बताइए कहां पर रिको द्वारा स्टोन पार्क की स्थापना नहीं की गई है? तो दोस्तों देखिए यहां पर धौलपुर में, जोधपुर में और करौली में, इन तीनों स्थानों पर दोस्तों स्टोन पार्क की स्थापना की गई है लेकिन जयपुर में नहीं की गई। तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राज्य में किस जगह ऑटो कंपोनेंट केबल एंड गारमेंट जोन की स्थापना की गई है? राज्य में किस जगह ऑटो कंपोनेंट केबल एंड गारमेंट जोन की स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पाथरेड़ी अलवर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन सही। देखिए ऐसे टॉपिक है वो आपको बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए आपके ज्यादा प्रश्न सही नहीं होंगे, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, देखिए राज्य में रिको तथा दक्षिण कोरियाई व्यापार संवर्धन एजेंसी कोटरा द्वारा किस स्थान पर कोरियाई पार्क की स्थापना की जा रही है? बताइए किस स्थान पर कोरियाई पार्क की स्थापना की जा रही है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गिलोट अलवर में। ठीक है, कोरियाई पार्क की स्थापना की जा रही है, दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखिए होंडा सियोल कार परियोजना खुसखेड़ा भिवाड़ी में है, बिल्कुल सही है। होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड टपुकड़ा अलवर में है, बिल्कुल सही है। देखिए स्पोर्ट्स कार फैक्ट्री कुकस जयपुर में है, बिल्कुल सही है। मेमू रेल कोच फैक्ट्री
जयपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा। मेमू रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना है वो दोस्तों भीलवाड़ा जिले में की जाएगी, ठीक है। तो ये जयपुर यहां पर गलत दे रखा है। चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ये सुमेलित नहीं है। 38 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2009-10 से राज्य सरकार द्वारा संचालित आदिवासी क्षेत्र औद्योगिक संवर्धन योजना किन जिलों में लागू की गई है? तो दोस्तों औद्योगिक संवर्धन योजना किन जिलों में लागू की गई है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा। तो दोस्तों देखिए सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो दोस्तों इन सभी स्थानों पर दोस्तों आदिवासी क्षेत्र औद्योगिक संवर्धन योजना लागू की गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें उपरोक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित इनलैंड कंटेनर डिपो स्थित है। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित इनलैंड कंटेनर डिपो स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर, जोधपुर, रावण गेट, कोय, ये कोटा है, ठीक है, रावण गेट तो जयपुर में है, रावण रोड कोटा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको ने जापान की किस कंपनी से निमराना अलवर औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयां स्थापित करने का MOU किया है? बताइए, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको ने राजस्थान की किस कंपनी से निमराना अलवर औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयां स्थापित करने का MOU किया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जेट्रो। तो यहां पर अपना इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जेट्रो कंपनी ने। नेक्स्ट आगे देखिए, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम का उद्देश्य क्या है? बताइए, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है दोस्तों MSME क्षेत्र को तकनीकी उन्नयन सुविधा प्रदान करना। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है? बताइए, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थली के नाम से। तो यहां पर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थली। नेक्स्ट है, राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया है? तो दोस्तों कहां पर है ये टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कांकरौली राजसमंद में। तो यहां पर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सुमेलित करना है अपने को, बताना है दोस्तों सूची फर्स्ट में देखिए कंपनी दे रखा है और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सी कंपनी कहां पर है। यहां पे देखिए दोस्तों, देखिए कैपिस्टन मीटर कंपनी ये कहां पर है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा जो ये मीटर कंपनी की बात हो रही है। तो दोस्तों ये है जयपुर पाली में, ठीक है, जयपुर और पाली में है, ठीक है। और देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये दोस्तों कहां पर है, तो दोस्तों ये है कोटा के अंदर। और इसमें देखिए सिमको वेगन फैक्ट्री ये कहां पर है, तो दोस्तों ये भरतपुर में है। और नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है ये दोस्तों कहां पर है, तो ये जयपुर में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3, 1, 2, 4 यानी कि एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से असंगत है, तो दोस्तों निम्न में से असंगत कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है, चुनना है। दोस्तों देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स कॉरपोरेशन अजमेर में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ये जयपुर में है, बिल्कुल सही है। सहकारी कीटनाशक कारखाना उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। फ्लोर स्पार संयंत्र डूंगरपुर ये गलत दे रखा है। देखिए फ्लोर स्पार का उत्पादन है वो दोस्तों डूंगरपुर में होता है लेकिन संयंत्र नहीं है, तो यहां पर चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें निम्न में से सत्य है, दोस्तों निम्न में से सत्य कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर की स्थापना 10 जनवरी 1966 को राज्य में जस्ते के खनन एवं परिशोधन हेतु की गई, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी की स्थापना 1967 में अमेरिका की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना
चेकोस्लाविया की मदद से 1967 में की गई, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें सारे सही है, ठीक है, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है, बताइए कौन सा केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए सांबर साल्ट लिमिटेड, मॉडर्न बेकरीज, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर, ये तीनों के तीनों दोस्तों केंद्र सरकार के उपक्रम है, लेकिन राजस्थान केमिकल्स वर्क्स डीडवाना ये दोस्तों राज्य सरकार का उपक्रम है, तो यहां पर अपना इसमें चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति कब जारी की, राज्य सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति कब जारी की, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 21 जून 1978 को, 21 जून 1978 को राज्य सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति जारी की, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 49 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सही कथन पर चिन्ह लगाइए, दोस्तों सही कथन पर अपने को क्या करना है, चिन्ह लगाना है, और ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसलिए महत्वपूर्ण भी है। देखिए, सिमको माल डिब्बा कारखाना भरतपुर में 8 वर्ष बाद पुनः शुरू हो गया है, ये जो कथन है ये दूसरा नंबर का ऑप्शन शुरू हो जाता है आगे, ठीक है, तो ये जो पहला कथन है ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न है दोस्तों काफी बार परीक्षा में पूछा गया है इसलिए महत्वपूर्ण है, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया गया है वे हैं, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया गया है वे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्लू पॉटरी जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान में रेल वेगन का कारखाना स्थित है, राजस्थान में रेल वेगन का कारखाना कहां पर स्थित है, मैंने अभी आपको बताया भरतपुर में है ये, ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भरतपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का उद्योग नहीं है, तो कौन सा राज्य सरकार का उद्योग है वो नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों। यहां पर देखिए, द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, स्टेट वुनन मिल्स बीकानेर, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना, ये तीनों के तीनों दोस्तों राज्य सरकार है, यानी कि राज्य सरकार के उद्योग हैं, और यहाँ पे मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है दोस्तों, तो यहाँ पर चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, राज्य का वह जिला जो पन्ना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा जहाँ जो रंगीन रत्न निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का वह जिला जो पन्ना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा जहां जो रंगीन रत्न निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है जयपुर, तो यहां पे चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया जा रहा है, राज्य का पहला फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जोधपुर में, यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। आगे देखिए, राज्य का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में स्थापित किया गया है, अब राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क है वो दोस्तों कहाँ स्थापित किया जा रहा है, पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में तो दूसरा कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये किया जा रहा है कोटा में, तो यहां पर तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा में। आगे देखिए, राज्य के इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है, दोस्तों इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, बताइए इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है ये कहां पर स्थित है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा में, तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में किस स्थान पर आईटी सेज की स्थापना की जा रही है, राज्य में किस स्थान पर आईटी सेज की यानी कि सिलिकॉन सिटी की स्थापना की जा रही है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों खुशखेड़ा भिवाड़ी में, तो यहां पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है, राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें आरएफसी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व भारत सरकार के पुनर्वास निर्देशालय द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु प्रयास किए गए। बताइए किस योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व भारत सरकार के पुनर्वास निर्देशालय द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु प्रयास किए गए। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें सेमफेक्स योजना। तो यहाँ पर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेमफेक्स योजना। आगे देखिए इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से आरएफसी द्वारा संचालित योजना नहीं है। आरएफसी द्वारा संचालित योजना है वो कौन सी नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए शिल्प बाड़ी योजना, सेमफेक्स योजना, टेक्नोक्रेट स्कीम, ये तीनों की तीनों दोस्तों आरएफसी द्वारा संचालित योजना है, लेकिन उद्योग श्री है ये नहीं है। तो यहाँ पर चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्न को सुमेलित कीजिए, ये प्रश्न बड़ा है तो इस प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखना है आपको। देखिए एक तरफ है सूची फर्स्ट में योजना और सूची सेकंड में है विशेषता। यहाँ पर देखिए दोस्तों शिल्प बाड़ी योजना, दोस्तों शिल्प बाड़ी योजना है वो उसकी विशेषता क्या है, तो दोस्तों शिल्प बाड़ी योजना की विशेषता है ग्रामीण व शहरी शिल्पकारों तथा दस्तकारों के कल्याण के लिए चलाई गई योजना है, वो शिल्प बाड़ी योजना है, ठीक है। और दोस्तों दूसरा देखिए इसमें यहाँ पर है टेक्नोक्रेट स्कीम, दोस्तों टेक्नोक्रेट स्कीम है ये इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये दोस्तों टेक्नोक्रेट स्कीम की क्या है विशेषता है। तीसरा देखिए इसमें कंपोजिट टर्न लोन, दोस्तों कंपोजिट टर्न लोन, तो दोस्तों इसकी जो विशेषता है वो है इसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के दस्तकारों, कुटीर व अति लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। और दोस्तों चौथा दे रखा है इसमें उद्योग श्री, दोस्तों उद्योग श्री क्या है, इसकी विशेषता क्या है, दोस्तों इसकी विशेषता है इसमें देखिए ज्ञान साहस व अनुभवों से युक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु सुदृढ़ आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु सुदृढ़ आधारभूत संरचना का निर्माण करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रिको। यहाँ पर तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिको। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, रिको द्वारा स्थापित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सीडोस जिसका प्रमुख उद्देश्य संगमरमर ग्रेनाइट व इमारती पत्थरों पर आधारित उद्योगों की सहायता है स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। तो यहां पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें निम्न में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों निमराना अलवर में, सीतापुरा जयपुर में, बोरानाडा जोधपुर में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और पार्क दे रखा है और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा पार्क या कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर है, जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों सीतापुरा जयपुर में। और लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, लेदर कॉम्प्लेक्स है दोस्तों मानपुर माचेड़ी जयपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों कनकपुरा जयपुर में। और साइबर पार्क कहाँ पर है, तो साइबर पार्क जोधपुर में है। इस प्रश्न का राइट आंसर 2341 हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर अपना इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2341। आगे देखिए निम्न में से असंगत कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों इसमें प्रथम एग्रो फूड पार्क रणपुर कोटा में है, बिल्कुल सही है।
पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर में है, बिल्कुल सही है। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स दोहिंडा राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी अलवर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है ये बीकानेर में है, यहाँ पर चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड राज्य में स्थित है। किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रणपुर कोटा में है, बोरानाड़ा जोधपुर में है, यहां पर देखिए गंगानगर में भी है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य है, तो यहां पर देखिए हस्तशिल्प एवं गमार्गम सेज कहां पर है, तो ये बोरनाडा जोधपुर में, बिल्कुल सही है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज ये जयपुर में है, बिल्कुल सही है। सूचना प्रौद्योगिकी सेज खुसखेड़ा अलवर में है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों ही सही है इसमें। आगे देखिए राज्य की वह संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। राज्य की वह संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है एवं प्रदर्शनी वह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों राजसिको करती है ये। तो यहाँ पर तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजसिको। 70 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट में संस्था दे रखी है, सूची सेकंड में स्थापना तिथि है, अपने को बताना है कि कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई थी, सुमेलित करना है। देखिए राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम की जो स्थापना है वो दोस्तों 3 जून 1961 को की गई थी। रिको की दोस्तों स्थापना है ये 28 मार्च 1969 को की गई थी। राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना है ये 17 जनवरी 1955 को की गई थी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की जो स्थापना है वो जून 2009 में की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2314, 2314 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो देखिए राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान वित्त निगम का केंद्रीय कार्यालय जयपुर में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों की स्थापना विस्तरीकरण एवं नवीनीकरण हेतु सावधि ऋण उपलब्ध करवाना है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो तीन सही है तो इसका मतलब चौथा क्या है, गलत है, तो यहां पर चार नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी कि राजसिको की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य हैं, राजसिको की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखिए राज्य में कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही है। कुटीर उद्योग व लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना, ये भी बिल्कुल सही है। कुटीर उद्योग व लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल के विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी राजसिको का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी उद्देश्य हैं वो राजसिको के हैं, बिल्कुल सही है, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अन्य साधन विकसित करने के उद्देश्य से 1995 में किसकी स्थापना की गई, तो दोस्तों 1995 में किसकी स्थापना की गई, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों, वो स्थापना की गई दोस्तों ग्रामीण गैर विकास प्राधिकरण की, ग्रामीण गैर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक कार कंपनी को कारें बनाने के लिए खुसखेड़ा भिवाड़ी में 600 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, यह कंपनी है। एक कार कंपनी को कारें बनाने के लिए खुसखेड़ा भिवाड़ी में 600 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, यह कंपनी है, तो दोस्तों वो कंपनी कौन सी है, तो वो कंपनी है दोस्तों होंडा सियोल की। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से एक सही नहीं है, तो कौन सा एक सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए राज्य सरकार द्वारा नई विदेश नीति यानी कि औद्योगिक नीति कर लेना यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 2010 में जारी की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। विक्रय कर में 30% छूट
10 वर्षों तक चालू रहेगी, बिल्कुल सही है। नए रोजगार पर 20% सहायता दी जाएगी, बिल्कुल सही है। इससे पूर्व नीति 2008 में लागू की गई थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यानी कि 2010 में जो औद्योगिक नीति जारी की गई थी उससे पहले औद्योगिक नीति है वो दोस्तों 1998 में जारी की गई थी, 2008 यहाँ पे गलत दे रखा है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिलिकॉन सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में से एक है जो भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों खुसखेड़ा भिवाड़ी। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खुसखेड़ा भिवाड़ी। आगे देखिए, हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में है, हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। 78 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई मदद करता है, बताइए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई मदद करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने में, सामाजिक आधारभूत सुविधाएं देने में, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल एवं प्रबंधकीय सेवा में प्रदान करने में, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के तो थोड़े प्रश्न है वो आपको कम समझ में आएंगे, तो लेकिन देखना जरूरी है क्योंकि यही प्रश्न है वो अपने साथी से आगे लेकर जाते हैं अगर आप इन प्रश्नों को सही करते हैं तो। आगे देखिए, राजस्थान में सीसा जस्ता सांद्र के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है जावर। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा यह है दोस्तों सीतापुरा जयपुर में, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिल्प पंडित संबंधित है दोस्तों, शिल्प पंडित संबंधित है तो ये किससे संबंधित है, तो ये ग्राम उद्योग तकनीक से संबंधित है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान के प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारत सरकार के द्वारा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के 2 शहर है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के 2 शहर हैं, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन कौन से, तो वो है जयपुर एवं अजमेर। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर एवं अजमेर। आगे देखिए, जयपुर में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है, जयपुर में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। 85 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, विकास केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, विकास केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि द्वारा औद्योगिक इकाइयां आकर्षित करना, ठीक है, ये विकास केंद्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं जिनका आधार है, जिनका आधार क्या है, खनिज, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, खनिज। नेक्स्ट, राज्य में पहला DAP खाद कारखाना राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कहां स्थापित किया गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सही उत्तर हो जाएगा कपासन में, तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य में जिंक स्मेल्टर स्थित है दोस्तों, जिंक स्मेल्टर कहां स्थित है, तो ये देवारी उदयपुर में है, चंदौरिया चित्तौड़गढ़ में भी है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न, 11 मार्च 2013 को रिको व दक्षिण कोरियाई व्यापार संवर्धन एजेंसी कोटरा के मध्य हुए समझौते के अनुसार राज्य में किस जगह दक्षिण कोरियाई उद्यमियों के लिए कोरियाई जोन विकसित किया जाएगा, तो दोस्तों कोरियाई जोन विकसित किया जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गिलोट निमराना, तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गिलोट निमराना। आगे देखिए, राजस्थान में स्पोर्ट्स कार बनाने का कारखाना स्थापित किया जाएगा, राजस्थान में स्पोर्ट्स कार बनाने का कारखाना स्थापित किया जाएगा दोस्तों राज्य में पहला, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभी बताया था थोड़ी देर पहले दोस्तों कुकस जयपुर में, तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुकस जयपुर।
आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बेल व रेलवे के संयुक्त तत्वाधान में राज्य की पहली मेन लाइट मल्टीपल यूनिट मेमू ट्रेनों की कोच फैक्ट्री कहां लगाई जाएगी? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में लगाई जाएगी। तो यहां पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार एवं होंडा सीएल कंपनी के मध्य हुए एमओयू के तहत राज्य में किस जगह कार उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां पर, तो ये खुसकेड़ा भिवाड़ी में। तो दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें राज्य में किस जगह दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी उत्पादन इकाई स्थापित की गई है? बताइए राज्य में किस जगह दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी उत्पादन इकाई स्थापित की गई है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों टपुकड़ा अलवर। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टपुकड़ा अलवर। आगे देखिए, इसमें 94 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्न को यहां पर क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ है सूची फर्स्ट में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सूची सेकंड में स्थान, अपने को बताना है कि कौन सी कंपनी है वो कहां पर है। ये देखिए कोटरा यह दक्षिणी कोरियाई कंपनी है और ये राजस्थान में कहां पर स्थित है? दोस्तों ये राजस्थान में गिलोट नीमराना में स्थित है। जेट्रो जो जापान की कंपनी है ये दोस्तों राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मजार काठा निमराना में। और देखिए सेंट गोबेन जो फ्रांस की फैक्ट्री है ये दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये कहरानी भिवाड़ी में स्थित है। और जेन पेक्ट जो जीई कैपिटल यूएसए की कंपनी है ये दोस्तों कहां पर है? तो ये जयपुर में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 3, 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, औद्योगिक विकास में असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 30-30 करोड़ की लागत से राज्य में किस जगह विकास केंद्रों की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए आबूरोड सिरोही खारा व करनी बीकानेर परबतसर नागौर पलसाना सीकर हमीरगढ़ भीलवाड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी, धौलपुर और झालावाड़ में भी। चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सत्य कथन को छांटना है कि कौन सा सत्य कथन है? तो यहां पर देखिए, राज्य युवाओं को उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान वित्त निगम ने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। योजना में 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी, बिल्कुल सही है। योजना में प्रवर्तक को 90% तक ऋण दिए जाएंगे, ऋण पर ब्याज की दर 7.5% होगी, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, या फिर चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में निर्यातोन्मुखी गतिविधियों को सुदृढ़ आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना 1989 में कहां की गई? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों मानसरोवर जयपुर में की गई। तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राज्य में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना कहां की गई है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है पालगांव जोधपुर में। यहां पर तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की सुविधा उपलब्ध कराने वाली राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी है? तो दोस्तों राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा उद्योग संवर्धन ब्यूरो। तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फरवरी 1991 में स्थापित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो दोस्तों प्रमुख उद्देश्य देखिए, राज्य की छवि को एक आकर्षक औद्योगिक स्थल के रूप में प्रवेश करना, उद्यमियों को राज्य में विनियोग करने व निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करना, निवेश प्रस्तावों की अवधारणा से लेकर पूर्ण क्रियान्वयन तक निवेश पश्चात सेवाएं व निवेश प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदन करवाना, बिल्कुल सही है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये मैंने आपको दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो पहला टॉपिक है, ठीक है, राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक इकाइयां और उससे संबंधित दोस्तों ये मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं। कल अपना नया टॉपिक आएगा और दोस्तों क्रम वाइज मैं आपको टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आराध्या आर्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।